कोरोना की वजह से देश में 3 मई तक लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगर आपको इस दौरान पैसों की दरकार है तो आप परेशान न हो, अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से आप रकम निकाल सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ ने निकासी को लेकर कुछ बदलाव जरूर किए हैं, जो इस तरह से हैं। जो लोग नौकरी करते हुए पीएफ में योगदान देते हैं, उनको ईपीएफओ ने रिकॉर्ड में अपनी जन्म तिथि को सुधारने की सुविधा दी हुई है। हालांकि ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों के दिए गए निर्देश के अनुसार इसमें शर्त ये है कि आधार कार्ड और पीएफ अकाउंट में दर्ज तिथि में 3 साल का ही अंतर होना चाहिए। ईपीएफओ के मुताबिक कोविड-19 के तहत ऑनलाइन दावों पर ऑटो मोड से क्लेम सेटल हो रहे हैं और सिर्फ 72 घंटे के अंदर पैसा आपके खाते में आ जाएगा। लॉकडाउन के दौरान ईपीएफओ ने अंशधारकों को राहत देने के लिए 279.65 करोड़ रुपए के 1,37,000 निकासी दावों का निपटान किया है। ईपीएफओ ने कहा कि उसके सिस्टम में पूरी तरह से केवाईसी अनुपालन वाले अंशधारकों के दावों का निपटान 3 दिन से कम के समय में हो रहा है। नए महामारी वापसी प्रावधान के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ का दावों के लिए विशेष कोरोना वायरस निकासी योजना के तहत प्राथमिकता से काम हो रहा है। नए महामारी वापसी प्रावधान के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि का इन दावों के लिए विशेष कोरोना वायरस निकासी योजना के तहत प्राथमिकता के साथ काम हो रहा है। यही नहीं, ईपीएफओ ने ग्राहकों को मौजूदा हालत में घर के निर्माण, शादी, बच्चों की शिक्षा, बीमारी और बेरोजगारी के दावे को वापस लेने की भी इजाजत दे दी है। दरअसल हाल ही में श्रम मंत्रालय ने भी ये कहा कि अंशधारकों को उनकी तरफ से की गई निकासी का पैसा मिलना शुरू हो गया है और ईपीएफओ ने 10 दिन के अंदर इन दावों का निपटान किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।